Hello student, I am Pankumar Gupta and once again I am here to explain exercise of chapter 3. Here exercise is chapter 3 grammar portion future tense. Student, you know better than what is the future tense. Future tense is the कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको क्या करे भविष्य के बारे में बताए फ्यूचर बताए उसको क्या बोलते हैं फ्यूचर टेंस. ठीक है, जैसे दिया यहाँ पे रीड द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द लेसन. इस लेसन के पूरे सेंटेंस को क्या करना है पहले एडिट करना है. जैसे यू विल गिव अ बर्थ नो नो सन हु विल बी द कम्फर्ट ऑफ योर सोल्स एंड डिलाइट योर हर्ट्स. आई सेल देन बाई अ काउ एंड अ ऑक्स एंड एक्वायर अ पीस ऑफ लैंड. इन सब सेंटेंस को पढ़ने से हम लोगों को क्या लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है ये फ्यूचर टेंस में है. ठीक है, फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है वो फिर सेल या फिर विल. ठीक है, सेल और विल. और सेल और विल कहाँ यूज होता है, सिंगुलर में प्लुरल में, इसके बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे. ठीक है, तो नेक्स्ट एक्सप्लेन किया है, इसको पढ़ लिया जाए. इन द बोथ सेंटेंस द स्पीकर आर ट्रैकिंग अबाउट देयर प्लान. जो दोनों सेंटेंस में क्या है वो फ्यूचर में जो अपना प्लान है उसके बारे में बात कर रहा है. आर दीज प्लान्स फॉर द प्रेजेंट और द फ्यूचर. और ये जो प्लान्स है ये बताइए फ्यूचर में है या फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, यानी अभी करेगा या फ्यूचर में करेगा. तो जाहिर सी बात है ये जो प्लान बना रहे हैं सब ये क्या करेंगे सब इन फ्यूचर यानी भविष्य में ऐसा कर सकते हैं. ठीक है, तो ऐसे सारे सेंटेंस जो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट करते हैं वो सारे सेंटेंस क्या होंगे फ्यूचर टेंस में होंगे. ओके स्टूडेंट, सो नेक्स्ट हम लोगों का है, चलिए तो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं. नेक्स्ट पेज में आपका दिया हुआ है द प्लान्स आर फॉर द फ्यूचर. इन दिस सेंटेंस विल एंड सेल आर यूज टू इंडिकेट फ्यूचर. जो यहाँ पे सेल और विल इंडिकेट कर रहे हैं जो हेल्पिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं. अगर सेल विल किसी भी सेंटेंस में आता है तो आप समझ जाइए कि वो टेंस कौन सा है, फ्यूचर टेंस में. ठीक है, दिस सेंटेंस आर इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. ये सेंटेंस किस में है, सिंपल फ्यूचर टेंस में. सेल इज यूजली कोड यूज टू बी द सब्जेक्ट. जो सेल है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होता है. ठीक है, आई और वी किसके साथ, आई और वी के साथ. वाइल विल इज यूज विद अदर ऑल अदर सब्जेक्ट. जो विल है वो दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ यूज होते हैं, आई एंड वी को छोड़कर. ठीक है, विल एंड सेल आर ऑफ्टन यूज विल आई और वी एज अ सब्जेक्ट. अदर कॉमन वेज ऑफ फॉर इंडिकेटिंग फॉर फ्यूचर आर. अदर कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो क्या करते हैं इंडिकेट करते हैं फ्यूचर के. जैसे पहला आपको दे दिया गया है बेस फॉर्म बी प्लस गोइंग टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब. यानी जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है यू आर गोइंग टू ईट एट द स्कूल कैंटीन. तुम्हें क्या करना चाहिए, खाना खाने के लिए कहाँ जाना चाहिए, कैंटीन में जाना चाहिए. देने तो फ्यूचर की बात बोल रहा है ना, क्या यहाँ पे गोइंग टू का यूज किया है, यहाँ पे बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कराएगा और साथ में बी. ओके, नेक्स्ट है बी आई एन जी फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी जीरण जिसको कहते हैं एन जी फॉर्म. आई एम मीटिंग योर टीचर टुमारो. मैं तुम्हारे टीचर से क्या करूँगा, कल मीटिंग करूँगा या मुलाकात करूँगा. ठीक है, तो ये सब क्या फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे जाहिर सी बात है जहाँ पे ये भविष्य की बातें की जा रही हैं या फिर सेल विल आपको दिख रहा है वो सारी क्या होंगी फ्यूचर टेंस में होंगी. अगर सेल विल दिख गया तो जाहिर सी बात है फ्यूचर टेंस. अगर वो नहीं दिखा देन आपको सेंटेंस को पहचानना यानी उसका अर्थ निकाल के आपको बताना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट दिया है बी गोइंग टू द फॉर्म बी गोइंग टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ड यूज टॉक अबाउट इंटेंशन. दे आर गोइंग टू स्टार्ट अर्लियर टुमारो मॉर्निंग फॉर देयर ट्रिप. वो सब ये लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे कल सुबह से ही, मॉर्निंग सुबह से ही फॉर देयर ट्रिप, अपने ट्रिप के लिए. ठीक है, तो यहाँ पे सेंटेंस यहाँ पे आ रहा है लेकिन आप सोचेंगे कि ये प्रेजेंट टेंस है. क्यों, लेकिन यहाँ पे आपको इसका अर्थ निकालना पड़ेगा. ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस नहीं है, सिंपल फ्यूचर है. ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे आपको सेल विल दिख गया था तो ठीक है, अगर नहीं दिखा तो उसका आपको अर्थ निकालना पड़ेगा. ठीक है, ऐसे ही सब दिए हुए हैं एक्सरसाइज, तो इसको आप पढ़िएगा. नेक्स्ट इज विल एंड सेल. ठीक है, विल एंड सेल वी यूज दिस फॉर्म टू टॉक अबाउट दैट वी गेस थिंक और कैलकुलेट विल हैपन इन द फ्यूचर. देयर इज लैक ऑफ 100% सेंटेंटली. वी यूज दिस फॉर्म, हम क्या करते हैं इस फॉर्म का प्रयोग करते हैं टॉक अबाउट बात करने के लिए व्हाट वी गेस यानी जो भी हम गेस करते हैं. ठीक है, थिंक करते हैं, सोचते हैं या फिर कैलकुलेट करते हैं. विल हैपन इन द फ्यूचर जो कि क्या होता है, भविष्य में होने वाला होता है. ठीक है, और जिसके 100% चांसेस होते हैं कर होने के.
इट विल बी विनर सूनर, यह जल्द ही जीत जाएगा, ठीक है, या आगे जीत जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सारे चीज़ दिए हुए हैं, तो इसको आप ट्राई कीजिए, ठीक है। और जो यहाँ पे यूज़ दिया हुआ है विल एंड शैल का, तो इट विल बी बेटर टुमारो, यानी यह क्या होगा, ये कल तुम्हारे लिए क्या होगा। जो विल का यूज होता है वहाँ पे ऑफर के लिए, या फिर प्रॉमिस के लिए, या थ्रेट के लिए, या डिसीजन के लिए, ठीक है। यानी प्रॉमिस वादा करने के लिए, थ्रेट यानी धमकाने के लिए, या डिसीजन यानी कोई फैसला लेने के लिए, ठीक है। ये विल का यूज होता है, ठीक है। विल एंड सेंटेंस पढ़िएगा ये, इसके बाद ये टिक द वर्ड और फ्रॉम द ऑप्शंस, क्या करना है, वर्ड्स को टिक करना है इन ऑप्शंस में से। तो स्टूडेंट दिस इज योर होमवर्क, ओके। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है उसको टिक करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है वी विल गो आर गोइंग टू बी आउट ऑफ द होल डे टुमारो। तो यहाँ पे क्या होगा, वी विल गो होगा कि आर गोइंग टू बी होगा, बताओ। वी विल बी होगा, पहले बेस फॉर्म इसका देख लेंगे, बेस फॉर्म आपको दिख रहा है। यहाँ पे कोई डिसीजन ले रहा है, क्यों, अगर कोई डिसीजन ले रहा है तो क्या होगा, विल बी क्या होगा, वी विल गो आउट ऑफ द होल डे टुमारो, ओके। ऐसे ही सारे एक्सरसाइज हैं, तो आप लोग इसको कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आप जब मिलेंगे, सो नेक्स्ट आपका ये एक्सरसाइज है, आप इसको फिल कर लेंगे, ठीक है, एंड ग्रुप में शेयर करेंगे। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।